भूल जाओगे क्या क्या था। मुगलों की हुकूमत थी, ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन सोने की चिड़िया कहलाता था इसलिए अंग्रेज हिंदुस्तान पे हमला हुए, लेकिन आज ऐसा है कि कोई यहाँ इन्वेस्ट करने तैयार नहीं। 60 साल में पूरे देश की वाट लगा दिए, और अब जो यहाँ रहने वाले तरक्की की बात करना चाहिए। हमारी कुर्बानी आज़ादी में, हमारे 1 लाख उलमाओं का खून बहा है, मुसलमानों का भी खून बहा है आज़ादियों में, और उस सब कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके ये लोग मुसलमानों के ही खिलाफ बात कर रहे हैं। ये जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन गो बैक की तरह काले कानून ला रहे हैं हमारे लिए, और जलियांवाले बाग के जैसा फिर एक शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेरी ये सारे लोगों से अपील है कि NRC को वापस ली जाए। जी, मेरा नाम आयशा मुशीर है, मैं स्टूडेंट हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं अभी वेकेशन पे यहाँ पर आई हुई हूँ। जी, और जैसा कि आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी में भी हमारे प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी टेंस हो गई है। बच्चों के पेपर्स पोस्टपोन्ड हुए हैं, और हम लोगों ने ऐसा कह दिया कि जब तक VC रिजाइन नहीं करेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारी सिचुएशन वर्स हुई थी, तो हम लोग एग्जाम्स नहीं देंगे, बॉयकॉट करेंगे। और यहाँ पर मैं हूँ इस वजह से शाहीन बाग में आई हूँ, बिकॉज यहाँ पर सारे वीमेन्स प्रोटेस्ट कर रही हैं कि वी डोंट वॉन्ट फेसिस रूल, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, देर शुड बी नो डिफरेंस, हिंदू मुस्लिम ये इस तरह से आप किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वी ऑल बिलोंग टू इंडिया, वी हैव बीन बोर्न हियर एंड वी विल डाई हियर, सो देर शुड बी नो डिफरेंस, एंड दोज हु आर ट्राइंग टू डू दैट दे शुड नो दैट वी आर इन मेजॉरिटी एंड वी आर इन पावर, एंड वी हैव द पावर टू डू व्हाटएवर वी वांट टू डू। दोज टू सिट ऑन द
the chair, they think they have power, but we are on the roads, we have more power. We can bring change. Since we are united.